जीरकपुर के गांव पभात में अचानक बच्चों के डायपर के गोदाम में आग लग गई, जिससे यहां बिल्डिंग में बने गोदाम पूरी तरह से नष्ट हो गए। गोदाम बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल में बना हुआ था, जिसमें बच्चों के डायपर भरे होने की वजह से आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक कुछ नहीं पता लग पाया है, लेकिन दमकल विभाग की कम से कम 30 गाड़ियां अभी लग चुकी हैं और आग पर काबू पाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। आग इतनी भयानक थी कि साथ लगती बिल्डिंगों को भी नुकसान हो सकता था। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद थी, लाखों का नुकसान होने का अनुमान था। मौके पर पहुंचे पुलिस विभाग के डीएसपी ने बताया कि आग लगने का कारण हमें पता नहीं लग पाया है, फिलहाल हम मौके पर मौजूद थे ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। दुर्घटना से निपटने के लिए हम बिल्कुल तैयार थे। कारण बारे तो कुछ पता नहीं है, हमारे आग जड़ी सवेरे 11 बजे तो लगी हुई है, तो कुछ सताई गड्डिया फिर गेट भी आ चुकी हैं, चंडीगढ़ के हरियाणा के बल्क पूरे के डेरा बसे सारे देखो बड़े जोरों शोरों में लगे हुए हैं। फायर ब्रिगेड वाले जिन्ने मुलाजमों का कोशिश कर रहे हैं, वो तो अग से कसू का है। नुकसान डैपर से इतने डैपर का गोडाउन से कारण का तो बाद च पता चलता है। ये अग 11:56 से सूचना मिली सी सानू 31 गड्डिया कुछ अजय बारे कुछ नहीं कह जा सकता। नेचर फायर है, ग्राउंड पहले तो बहुत कंट्रोल है, लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं है जी। 50% है उन्ना ही जिन्नी कंट्रोल। नेशनल बस के लिए कैमरामैन पंकज जस्सी के साथ मेजर अली की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज और इंटरेस्टिंग कॉमेडी और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल नेशनल बस और लाइक करें हमारा Facebook पेज। कीप लाइकिंग।